Hello everyone, this is Mansi for mevidyati.in and now in this session, अब हम क्या कर रहे हैं, बहुत बच्चों की कमेंट आते हैं जो कि आर एस अग्रवाल से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको वो क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी लग रहे हैं. सो हम क्या करेंगे, आर एस अग्रवाल में से हर चैप्टर्स में से कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं जो कि आपके बेसिक क्वेश्चन जैसे ही हैं, बट उसमें थोड़ा सा वो कुछ जब आप सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है. तो हम वैसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि जो उस बुक में से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो हेल्पफुल होगा ही. ऑल्सो अगर आपका एग्जाम है एंड आप प्रैक्टिस कर रहे हो सो आपके लिए भी क्वेश्चन हेल्पफुल होंगे. ओके, सो वी बिगिनिंग विद चैप्टर नंबर 1 व्हिच इज नंबर सिस्टम एंड दिस इज फ्रॉम आर एस अग्रवाल. द क्वेश्चन सेज फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/8 एंड 2/5. नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, एनसीईआरटी में सबसे बेसिक क्वेश्चन आपके पास यही है, बट लेट्स स्टार्ट एंड सॉल्व दिस. सो हमारे पास एक है 3/8 एंड एक हमारे पास है 2/5. सो जब भी ऐसा होता है हमें इसके बीच में रैशनल नंबर्स निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं. तो यहाँ पे 8 और 5 में सबसे पहला जो कॉमन मुझे दिखता है दैट इज 40. सो 8 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 40 हो जाएगा. सिमिलरली 5 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो 40 हो जाएगा. सो इसको 5 से किया, इसको भी 5 से करना पड़ेगा. 5 3 15 upon 8 5 40, करेक्ट. सो ये हो गया 15 upon 40 एंड यहाँ पे भी डिनोमिनेटर को 8 से किया तो इसको भी 8 से करना पड़ेगा. सो 8 into 2 is 16 upon 8 into 5 is 40. तो ये हमारे पास आ गया 16 upon 40. अब यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करने के बाद भी ये है 15 upon 40, ये है 16 upon 40, तो इसके बीच का कोई नंबर मिला हमें नहीं. सो दिस मींस अब क्या करना पड़ेगा, हमें इस डिनोमिनेटर को और बड़ा करना पड़ेगा. तो और बड़ा इनमें क्या कॉमन हो सकता है, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा और 5 टेबल में 80 आएगा ही. सो अब हम क्या कर रहे हैं, अगेन वी आर टेकिंग 3/8 एंड 2/5, करेक्ट. सो नाउ अब इस 8 को हमें 80 बनाना है, तो 80 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस विल बी इनटू 10, अगेन ये भी 10 से होगा. सो 3 into 10 is 30 अपॉन, यहां पे अगर हम करेंगे 8 into 10 is 80, तो ये हमारे पास आ गया 30 upon 80. अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 80 है, तो ऑफकोर्स हमें ये तो पता नहीं कि 5 को हम 5 टेबल में 80 क्योंकि क्रॉस कर जाएगा 10 से, तो हम बाकी टेबल्स देखेंगे कि जैसे जिसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 80 आता हो. सो हमारे पास 16 है, 16 into 5 80 होता है, तो ये भी 16 से मल्टीप्लाई होगा. 16 into 2 is 32 upon 16 into 5 is 80. तो अब यहाँ पे हमें कितने रैशनल नंबर्स मिलेंगे इसके बीच में, 30 upon 80 32 upon 80, सिर्फ एक रैशनल नंबर मिल रहा है विच इज 31 upon 80. अब अगर क्वेश्चन में है कि ठीक है सिर्फ एक ही रैशनल नंबर निकालो तो यहां तक आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर हमें एक से ज्यादा निकालने तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से इस डिनोमिनेटर को और बड़ा करना पड़ेगा. सो नाउ एक ही टेबल में नेक्स्ट जो हमारा हो सकता है वो होगा 120, राइट, बिकॉज 15 into 8 होता है 120 और 5 भी 120 से हो जाएगा. सो अब हम इसको बनाएंगे, ये हो गया 3/8, 8 को हमें 120 बना रहे, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, न्यूमरेटर पे 15 से मल्टीप्लाई होगा. सो 15 into 3 is 45 upon 15 into 8 is 120. सो इसके लिए तो आपको टेबल्स अच्छे से आने चाहिए. देन अगेन 2/5, अब 5 के टेबल में 120 कब आएगा, सो यहां से अगर हम करके देखें तो ये 24 आएगा, बिकॉज 5 2 10, 20 बचा 4 पे आता है. सो मतलब इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 से, तो न्यूमरेटर भी 24 से मल्टीप्लाई होगा. नाउ 24 into 5 is 120 एंड 24 into 2 4 2 8 2 2 4 48. सो अब देखो हमें 45 upon 120 और 48 upon 120 में कितने मिलेंगे, यहाँ पे वी विल गेट 46 upon 120 एंड देन वी हैव 47 upon 120. सो हमारे पास 1 2 3 रैशनल नंबर्स आ गए इन दोनों के बीच में. अगेन इससे भी ज्यादा अगर निकालने हैं तो हम इस डिनोमिनेटर को और बड़ा करेंगे. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने आर एस अग्रवाल में से लिया है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.